दूसरी चीज, हम कभी भी उनकी उपेक्षा ना करें, उन्हें ये फील ना होने दें कि हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, एक घटना है गुना की, एक बहुत ब्रिलियंट 94% इंजीनियरिंग में लाने वाले बी फाइनल के स्टूडेंट ने जब सुसाइड कर लिया, मैं थोड़ा सा मुश्किल में पड़ा। उनके माता पिता पढ़े होंगे, समाज पढ़ी होगी, पर मुझे भी थोड़ी मुश्किल लगी जब ये सुना मैंने। मैं 4 महीने तक इस बात की खोज में रहा, चुपचाप, साइलेंटली, और एक दिन उसका रहस्य मालूम पड़ गया उसके मित्र से। कैसे, क्या कारण हो सकता, इतनी हेल्दी फैमिली, हेल्दी फैमिली मतलब इतना स्वस्थ वातावरण उनके घर का कि कोई सोच नहीं सकता कि ये सुसाइड कर सकता है। कोई उसका लव अफेयर नहीं है कि कोई उसकी वजह से उसने सुसाइड किया, कोई उसके अंदर दुर्व्यसन नहीं है, इसके बावजूद भी जो पान तक नहीं खाता है, जो आलू प्याज नहीं खाता है जिस फैमिली में, वो सुसाइड कर ले, बात क्या है। वो बहुत अच्छा इंजीनियर था, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट, उसने बी उसी में किया है, और उसके फादर ने उससे कहा कि अब अपना नया मकान बनाना है, उसको प्लान करो। उसने प्लान किया, इतना सेंसिटिव, जितना ज्ञानवान होगा उतना सेंसिटिव होगा, ध्यान रखना, इमोशनल भी होगा। उसने प्लान किया, ये भैया का कमरा जब भैया की मैरिज हो जाएगी, ये मां का कमरा, ये पिता का कमरा।